मंडे ब्लूज वो क्या होता है? आपके लिए तो ये हैप्पी मंडे होना चाहिए ना, कॉज हर वीक की तरह इस वीक भी मैं यानी तोनाक्षी आ गई हूँ आपको बताने कि इस वीक क्या क्या एक्साइटिंग कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है रिलीज। सो 6th to 12th June के बीच आ रहे हैं बहुत सारे शोज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन रिलीजिंग ऑन 6th June इज आशिकाना, जो एक ड्रामा सीरीज है विच रिवॉल्व्स अराउंड अ स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जिसे एक यंग लड़की से प्यार हो जाता है। ये शो दिखाता है उनके रिलेशनशिप को और साथ ही साथ अ सीरीज ऑफ मर्डर्स जो एक टाउन में होते हैं। इस शो को डायरेक्ट किया है गुल खान ने। आशिकाना 6th June को रिलीज हो रहा है ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार और इस शो की खास बात यह है कि हर दिन इस शो का एक नया एपिसोड भी स्ट्रीम करेगा। नेक्स्ट वन ऑन आर लिस्ट इज मिस मार्वल विच इज रिलीजिंग ऑन 8th June ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसमें एक अमेरिकन किड है जो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और उसी के साथ साथ और भी सुपर हीरोज की। इस सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि कैसे ये लड़की अपनी स्कूल और घर की प्रॉब्लम से डील करती है उन पावर्स को यूज करके जो वो हमेशा से चाहती थी। इस सीरीज के 6 एपिसोड्स होंगे और इसे रिलीज किया जाएगा इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में। अब बात करते हैं राजपाल यादव और रुबीना दिलैक की डिजिटल फिल्म अर्थ की, जो कि रिलीज हो रही है ऑन 10th June ऑन Zee5। आपको बता दें कि इस फिल्म में राजपाल यादव एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये फिल्म रुबीना दिलैक का बिग स्क्रीन डेब्यू भी है। ट्रेलर देखकर ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि राजपाल यादव बहुत बढ़िया एक्टिंग करने वाले हैं और ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट वन इज द Season 2 ऑफ कोड एम, जो एक एकता कपूर का शो है, एक थ्रिलर शो है। इट स्टार्स टीवी फेमस फेस जेनिफर विंगेट और इनसाइड एज के एक्टर तनुज वीरवानी इन लीड रोल्स। इस शो में जेनिफर मेजर मोनिका मेहरा का रोल प्ले कर रही हैं, जो बैक टू बैक करप्शन रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को काफी पसंद किया गया था और फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि इसका सेकेंड सीजन कब आएगा और फाइनली अब ये Season 2 रिलीज हो रहा है ऑन 9th June ऑन वूट सेलेक्ट। सो अगर आप इस शो को देखें तो प्लीज मुझे बताना कि आपको सेकंड सीजन कैसा लगा, क्या ये पहले सीजन से भी अच्छा है या नहीं। अब बात करते हैं पंजाबी ड्रामा मैं ते बापू की, जो रिलीज हो रही है ऑन 9th June ऑन बुक माई शो। ये स्टोरी है एक बेटे और उनके विडोड फादर की, जिन्होंने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी फर्स्ट वाइफ के मरने के बाद शादी ही नहीं की और अब उन्हीं के सैक्रिफाइसेस को रीपे करने के लिए उनका बेटा उनके लिए मम्मी ढूंढता है, मतलब कि उनके लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढता है। इस फिल्म में परमीश वर्मा और उनके रियल लाइफ फादर डॉक्टर सतीश वर्मा है और साथ ही में एक्ट्रेस है संजीदा शेख भी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीरीज इन द टाउन दीज डेज, सोनाली बेंद्रे और जयदीप अहलावत की द ब्रोकन न्यूज, जिसमें सोनाली बेंद्रे ने अपना डिजिटल डेब्यू फाइनली कर लिया है। ये सीरीज बेस्ड है मीडिया और न्यूज चैनल्स की राइवलरी के ऊपर और इसके अंदर सोनाली बेंद्रे और जयदीप अहलावत का फेस ऑफ होता है कि कौन बेटर जर्नलिस्ट है। ट्रेलर से तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है और अब ये देखने पर ही पता चलेगा कि क्या ये उतनी इंटरेस्टिंग है या नहीं। बाय द वे, दिस शो द ब्रोकन न्यूज विल बी स्ट्रीमिंग ऑन Zee5 फ्रॉम 10th of June। यू नो, इस वीक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एक्साइटिंग शोज हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कोड एम का Season 2 और द ब्रोकन न्यूज देखने के लिए। बाकी हाँ, राजपाल यादव और रुबीना दिलैक की जो फिल्म है अर्थ, वो भी काफी एक्साइटिंग लग रही है, जिसे आप लोग वीकेंड पर देख सकते हैं। विद दिस लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि इनमें से कौन सा शो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।